रांची बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह के हैंडबैग बनाएंगे बिल्कुल फ्री जीरो कॉस्ट में घर पे पड़े हुए बेकार चीज़ों से। इसे आप नए या फिर पुराने किसी भी तरह के कपड़े से बना सकते हैं और अपने पसंद से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। इसे आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, शॉपिंग बैग की तरह या फिर हैंडबैग की तरह या फिर ट्रैवल बैग की तरह। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने पुरानी साड़ी से खोली हुई लेस जो बेकार पड़ी हुई थी उसी का आज हम रीयूज करेंगे। और इसमें लगाने के लिए देखिए, प्लास्टिक की बोरी का दो पीस लेंगे। इसकी लंबाई 18 इंच है और चौड़ाई 16 इंच है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई घटाई या बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम साड़ी के लेस का यूज करेंगे। तो प्लास्टिक की बोरी जो हमने कट की है, तो इस तरह से हमें इसके ऊपर से सिलना है। तो चाहे तो आप दो तीन कलर की लेस लेकर के इसको मिला सकते हैं, लगा सकते हैं, या फिर एक कलर की लेस का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्लास्टिक की बोरी के ऊपर से लेस को चिपकाते हुए पूरे में फिक्स कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें किनारे से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है और काफ़ी अच्छे से ये लेस लग जाती है, सिलाई भी इस पर अच्छे से लग जाती है। तो देखिए, सिलाई हो गई है। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर से रखेंगे दूसरे लेस को और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। काफ़ी आसानी से इसमें सिलाई लग जाएगी। एक लेस को सिलाई लगा के चिपका लेंगे, अच्छे से फिक्स कर लेंगे और फिर दूसरे लेस को उसके ऊपर से रखेंगे, फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से पूरा जो हमने प्लास्टिक का पीस कट किया है उसके ऊपर से हमें लेस को अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। ये देखिए, लेस अटैच हो गई है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से दोनों पीस को हमें रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, दोनों पीस हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए, इसमें हम हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल लगाने के लिए मैंने लेस का ही यूज किया है। तो देखिए, लेस दो कलर की है, इसको हम यहाँ से इस तरह से खोल लेंगे और जो रेड वाला है उसे हम हैंडल बना लेंगे। तो ये मैंने दो पीस कट कर लिया है। 26 इंच इसकी लंबाई है और ये जो लेस है इसकी चौड़ाई 2 इंच की है। तो इस तरह से देखिए, हमें फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे तो हैंडल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, हैंडल हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए, 18 इंच वाले साइड से हमें हैंडल को अटैच करना है। तो इसका सेंटर मार्क कर लेंगे और फिर सेंटर पर से दोनों साइड 3 इंच पे निशान लगा लेंगे दोनों साइड में। तो जहाँ से हमने निशान लगाया है उसके ऊपर से हैंडल को रखना है और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। पहले हम पिन लगा के सेट कर लेंगे, फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। उस तरह से दूसरे पीस में भी हमें हैंडल को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, दोनों पीस में हमारा हैंडल लग के रेडी हो गया है। अब देखिए, इसके सेम मेजरमेंट का हम दो पीस ले लेंगे। तो दो फैब्रिक मैंने ले लिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के लिया है। और फिर अब देखिए, हमें क्या करना है, इसमें पॉकेट लगाना है। तो दो पीस लिया है पॉकेट बनाने के लिए 8x8 इंच का। और इसमें लगाने के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, लाइनिंग या फिर प्लास्टिक बोरी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पुरानी साड़ी का यूज किया है और लाइनिंग के लिए इसके किनारे से हमें सिलाई लगा लेना है। तो इसका हम दो पॉकेट बनाएंगे, एक जेबर पॉकेट बनाएंगे और ऐसे ही एक सिंपल पॉकेट बनाएंगे। तो लाइनिंग के ऊपर से मेन फैब्रिक को रखेंगे और इसके किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गई है। और फिर एक पीस में हमें यहाँ पर 1.5 इंच पे 1.5 इंच पे निशान लगा के कट लगा लेना है। इसके बीच में हमें जिप को अटैच करना है, तो ये हमारा जिपर पॉकेट बन जाएगा। तो जिप को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे, इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे, फिर उसके ऊपर से अंदर की तरफ जिप को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे, प्री स्टिच लगा लेंगे। मिलाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए, सिलाई लग गई है। अब इसके ऊपर से भी हमें दूसरे पीस को अटैच कर लेना है। अब इसको अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे, प्री स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए, जिपर पॉकेट तो बन के रेडी हो गया है। अब मेन फैब्रिक जो हमने कट किया था सेम मेजरमेंट का, उसके यहाँ पर से हम सेंटर मार्क कर लेंगे। 18 इंच वाले साइड से सेंटर मार्क कर लेंगे और फिर ऊपर से नीचे की तरफ 4 इंच पे निशान लगा लेंगे सेंटर के पास। और फिर जहाँ से जो हमने पॉकेट रेडी किया था उसका भी हमें ऊपर की तरफ से सेंटर मार्क कर लेना है। तो ये देखिए, जो दोनों पीस में हमने सेंटर मार्क किया है, इस तरह से मिलाते जाएंगे, इसको सेंटर से सेंटर को मिला लेंगे और फिर पिन लगा के सेट कर लेंगे। और फिर देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके चारों किनारों पे हमें मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा एक जिपर पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा। फोल्ड करते जाएंगे और फिनिशिंग से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। काफ़ी आसानी से ये पॉकेट बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कॉर्नर पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए हमारा एक जीपर पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब सेम इसी तरह से दूसरा पॉकेट भी हमें रेडी कर लेना है। तो एक तरफ से देखिए हमें इस तरह से फोल्ड करना है, एक फोल्ड करना है फिर दूसरा फोल्ड कर लेना। तो ये देखिए सिलाई लग के रेडी हो गई है। और फिर इसका भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे और जो हमने मेन पीस लिया था उसमें भी सेंटर मार्क कर लेंगे। एक पॉकेट हम इस तरफ अटैच करेंगे और यहाँ से भी नीचे की तरफ हमें 4 इंच पे निशान लगा लेना। फिर निशान के ऊपर से जो हमने पॉकेट रेडी किया है उसके सेंटर को इस तरह से रखेंगे, मिलाएंगे और फिर इसके 3 किनारे पे हमें सिलाई लगा लेना। तो देखिए पिन लगा के इस तरह से सेट कर लेंगे और फिर फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से और सिलाई लगा लेंगे। 3 किनारे पे हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो ये हमारा एक पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा बिना जिप वाला। तो ये देखिए हमारा पॉकेट बन गया है। और अब देखिए मेन पीस में हमें अटैच करेंगे। तो इसमें पहले हम जिप लगा लेंगे। तो 18 इंच लंबा जिप लिया है। तो जो हमने लेस वाला पीस रेडी किया था तो जिप को हमें उल्टा करके रखना है। इस तरह से जिप को उल्टा करके रखेंगे और फिर जो हमने पॉकेट वाला पीस रेडी किया था तो ये देखिए पॉकेट को ऊपर की तरफ देख लेना है, पॉकेट ऊपर की तरफ रहेगा और फैब्रिक को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। जब उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से देखिए ये सीधा हो जाएगा। और फिर इन तीनों को हमें मिलाते हुए जिप को उल्टा करके रखेंगे और फिर ये वाला जो पॉकेट वाला फैब्रिक है उसे भी उल्टा करके रखेंगे और इन तीनों को मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। मिलाते जाएंगे और फिनिशिंग से सिलाई लगाते जाएंगे। काफ़ी आसानी से ये सिलाई लग जाती है और इसमें मैंने 16 नंबर की सुई का ही इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए सिलाई लग गई है और ये पॉकेट भी अच्छी तरह से सीधा में ही लगा है। अब इस तरह से देखिए हमें इसको सीधा कर लेना है। हैंडल को ऊपर की तरफ करेंगे और जिप को भी ऊपर की तरफ अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर से एक दबाने वाली सिलाई लगा देंगे, फिर स्टिच लगा लेंगे तो जिप अच्छी तरह से अटैच हो जाएगा। मिलाते हुए अच्छी तरह से सिलाई लगा लेना है। ये देखिए प्री स्टिच लग गई है, जिप हमारे अच्छे से अटैच हो गया है। और अब देखिए इसके किनारे में हमें सिलाई लगा लेना है। मिलाते हुए अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लेना है। तो देखिए एक साइड से तो हमारे ये बैग वाला पीस रेडी हो गया है। अब दूसरे पीस में हमें अटैच करना है। तो दूसरे साइड का हम पीस ले लेंगे और फिर देखिए इसे हम इस तरह से पलटते हुए रखेंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से मिलाना है और एक और हमारे पास पीस है पॉकेट वाला, उसको लेंगे। तो ऊपर की तरफ हमें चेक कर लेना है और फिर उल्टा में करके रखेंगे और फिर इन तीनों को मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। मिलाते जाएंगे फिनिशिंग से और सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए सिलाई लग गई है और फिर इसे भी हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसके ऊपर से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है, प्री स्टिच लगा लेना है। फिर उसके बाद से यहाँ साइड की सिलाई हमें लगा लेनी है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करते हुए इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेना, पहले ऊपर की सिलाई लगाना, उसके बाद देखिए साइड की सिलाई भी कर लेंगे। तो ये देखिए प्री स्टिच हो गई है, जिप अच्छे से अटैच हो गया है और फिर साइड की सिलाई भी हो गई है। ये हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से अटैच हो गया। अब इसमें हम रनर लगा लेंगे। रनर आप अपने पसंद से 1 या 2 लगा सकते हैं। तो इस तरह से रनर को देखिए अंदर की तरफ से खींचेंगे और जो कटर होता है उसको इस तरह से पुश करेंगे तो काफ़ी आसानी से ये रनर हमारा लग के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए रनर भी लग गया है और अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से होल्ड करेंगे, मोड़ लेंगे और फिर इसके दोनों साइड में हमें सिलाई लगा लेना है। तो दोनों साइड से सिलाई लग गई है और अब देखिए इसको पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो आप चाहे तो इसमें फैब्रिक से भी फिनिश कर सकते हैं या फिर इस तरह के कोई भी मार्कर से जो शॉपिंग कैरी बैग आती है उसके भी आप 1 इंच की सीधी पट्टी कट करके लगा सकते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी पाइपिंग लग के रेडी हो जाती है या फिर आप फैब्रिक की भी पट्टी लगा सकते हैं, पाइपिंग से फिनिश कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 इंच की जो हमने पट्टी कट की थी शॉपिंग कैरी बैग की, उसको आप डबल लेयर में या फिर सिंगल लेयर में भी पाइपिंग लगा के फिनिश कर सकते हैं। तो इसको हम दोनों साइड पाइपिंग लगा के फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए पाइपिंग लग गई है, दोनों साइड के किनारे फिनिश हो गए हैं। अब इसका हम वेस्ट रेडी करेंगे। तो दोनों साइड में देखिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड हमने जो 3 इंच पर निशान लगाया है तो बीच में देखिए हमारा 12 इंच बच गया है और जो 3 इंच पर लगाया है दूसरे साइड भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 3 इंच 3 इंच ये दोनों मिला के 6 इंच हो गया, यानी कि हमें 12 इंच बाय 6 इंच का बेस रेडी कर लेना है। तो बेस देखिए हमने रेडी कर लिया है। तो लेस जो हमारा बचा हुआ था तो रेड वाले से हमने हैंडल बनाया था और ब्लैक वाले से बेस रेडी कर लिया है। लाइनिंग प्लास्टिक की बोरी और लेस को अटैच करके हमने बेस रेडी कर लिया है। 12 इंच लंबाई है और 6 इंच इसकी चौड़ाई है।
और देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेना है दोनों साइड में। तो इस तरह से सेंटर मार्क कर लेने से काफ़ी अच्छे से ये हमारा बेस लग के रेडी हो जाएगा। और मेन पीस जो हमने रेडी किया था उसके ऊपर भी सेंटर मार्क कर लेंगे दोनों साइड में। तो यहाँ पर देखिए सेंटर पर जो हमने निशान लगाया है और बेस जो हमने रेडी किया था वहाँ पर सेंटर पर निशान लगाया है, इन दोनों को देखिए अच्छी तरह से पहले मिला के पिन लगा के सेट कर लेंगे। इस तरह से जब हम बेस अटैच करेंगे तो अच्छी तरह से ये बेस हमारा अटैच हो जाता है और इधर उधर सरकता नहीं है। पिन लगा लेने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी जो हमने सेंटर पर निशान लगाया है उसको मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है, फिर उसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेना है, यहाँ और यहाँ सिलाई लगा लेना है। और फिर उसके बाद ये देखिए कॉर्नर पे काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग से काफ़ी अच्छा सा परफेक्ट सा इस तरह से ये बेस बन के रेडी हो जाता है और सिलाई लग जाता है। तो इस तरह से हमें दोनों कॉर्नर की सिलाई कर लेनी है, पिन लगा के सेट कर लेंगे, फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। और फिर देखिए इसके किनारे पे भी हमें पाइपिंग लगा के फिनिश कर लेना है, इसमें एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह नहीं निकलते हैं। तो ये देखिए सिलाई भी हो गई है और पाइपिंग भी लग गई है और ये हमारा दो पॉकेट बन के रेडी हो गया, एक जिप वाला पॉकेट और एक बिना जिप वाला पॉकेट। और ये हमारा सुंदर सा हैंडबैग, ट्रैवल बैग, शॉपिंग बैग बन के रेडी हो गया। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं और फिर अपने पसंद से किसी भी साइज़ की बड़ी बना सकते हैं। ये हमारा मीडियम साइज़ का हैंडबैग बन के रेडी हो गया है। तो इसमें मैंने पुराने बेकार पड़ी हुई साड़ी की लेस का यूज करके हैंडबैग बनाया है। आप चाहे तो इसमें कोई भी फैब्रिक का यूज कर सकते हैं या फिर कोई नई फैब्रिक या फिर पुराने फैब्रिक या फिर कोई ब्लाउज पीस बचा हुआ है उससे भी आप बना सकते हैं। काफ़ी सुंदर से ये हमारा हैंडबैग बन के रेडी हो गया है और बहुत ही यूजफुल इस तरह का हैंडबैग शॉपिंग बैग है। आप इसे अपने पसंद से किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो इसमें लगभग 3 से 4 जोड़े कपड़े आसानी से आ जाते हैं या फिर शॉपिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई 17 इंच रेडी हुई है और इसकी बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चौड़ी बन के रेडी हुई है, 6 इंच चौड़ाई है इसकी और 12 इंच लंबाई है। तो इसे आप अपने पसंद से इसकी साइज़ बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से ये वाला हमारा हैंडबैग बन के रेडी हो गया है बिल्कुल फ्री में, 0 कॉस्ट में। और बेकार पड़ी हुई जो पुराने साड़ी से खोली हुई लेस पड़ी हुई थी उसी का यूज करके हमने एक सुंदर सा हैंडबैग बना लिया है। बहुत ही कम खर्च में ये हमारा हैंडबैग बन के रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का आइडिया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।